बाद में हम लोगों ने रात को स्टे किया था होटल में, और अब हमने उसको चेकआउट कर दिया। अब हम किसी मॉल में जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं फैसलाबाद में कौन सा अच्छा मॉल है, फिर आगे मजीद कहाँ जाते हैं ये देखते हैं। चले मिलते हैं। अब हम खाना खाने आ गए हैं यहाँ पर, कराची नसीब बिरयानी, और बहुत मज़ेदार इनकी बिरयानी थी। हम लोगों ने सोचा मॉल जाने से पहले सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। भाई दो दिन खाना आ गया, बिरयानी खाना लोग देख सकते हैं, खाना खाना आ गया ना, खाना खाया मॉल में गए। मॉल में हम गए थे फैसलाबाद है, खाओ तुम भी खाओ। खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और चाय भी इतनी मज़ेदार थी। अब हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं मॉल में। यहाँ पर एक मॉल है लियालपुर गैलरियाल, यहाँ पर एक मॉल है बहुत ज़बरदस्त, तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये बाहर से बना हुआ है। यहाँ पर कई ब्रांड्स के शूज भी होते हैं फैसलाबाद में, और यहाँ पर हम आए हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। अभी हम इंटर कर रहे हैं इस मॉल में जाने के लिए, और इनकी पार्किंग एरिया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। अब हम अंदर मॉल में एंटर हो चुके हैं, और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये मॉल बना हुआ था, और यहाँ पर ये इनका मिनी शो बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत सारी कलेक्शन थी यहाँ पे, बहुत सारे आइटम्स थे, चीज़ें थी बहुत सारी बच्चों की और बड़ों की, यहाँ पर बहुत कुछ था देखने के लिए, बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। इन्होंने मिनी शो बनाया हुआ था और सारे बच्चे तो दीवाने हो गए थे बस यहाँ पर अंदर जाकर। उन्हें अल्तमश के लिए उन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली, और हम सब घूम रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से ये मॉल। फिर इतने में ईमान ने कहा कि मम्मा मुझे जूस चाहिए, तो हम उसका यहाँ पर शेक बनवाने के लिए आ गए हैं, मैंगो शेक। ईमान क्या कर रहे हो? शेक ले रही हूं। क्या कर रही हो? ईमान ने बोला मैंगो शेक दिला दे, तो देखिए बना रहे हैं। शुक्रिया भाई, पैसे ये ले। मन पियो, अच्छा लग रहा है देखो, कैसे पैसे ले लेंगे उनसे। और मुझे यहाँ से इयर रिंग चाहिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, इयर रिंग मैंने यहाँ से लिए हैं, और बहुत ही कोई अच्छी कलेक्शन थी। फिर ईमान को यहाँ से जेलीज़ वगैरह लेनी थी, तो ईमान ने यहाँ से जेलीज़ ली। और यहाँ पर कुछ शॉप्स थी मोबाइल वगैरह की भी, तो आशीर और इनके बाबा मोबाइल के कवर, उसके जो प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर। फिर भाई यहाँ पर सऊदी ब्रोस्ट का जाके ऑर्डर देकर आ गए थे, कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कोई सऊदी ब्रोस्ट है, तो उसको ट्राई करते हैं हम सब ना। फिर वेट कर रहे थे हम लोग उसके बनने का, जब तक मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़े इस मॉल की क्लिप शूट कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का मॉल बना हुआ था, और हर कोई ब्रांड था यहाँ पर, और बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी माशाल्लाह से। फैसलाबाद का मॉल बहुत ज़बरदस्त था, और देखते देखते हमारे माशाल्लाह से इतने मज़ेदार से ब्रोस्ट भी रेडी हो गए हैं, और ये बहुत मज़ेदार
जितने देखने में लग रहे थे खाने में भी उतने ही मज़ेदार थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने इसको एंजॉय करा। और बच्चे सारे जो हैं हमारे, कोई भी यहाँ पर हमारे साथ बच्चे नहीं थे, सब लोग फनलैंड चले गए थे, सिर्फ बड़े बड़े हम लोग रह गए थे। और हम लोगों ने रोस्ट वगैरह खाए, और यहाँ पर बच्चे फनलैंड चले गए थे। सारे छोटे बड़े जितने भी बच्चे थे हमारे माशाल्लाह से, छोटे तो छोटे बड़े भी फनलैंड में चले गए थे। और यहाँ पर ये रेसिंग कार थी, तो इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। यार मैं भी टिकट निकाल लूं। ईशान भाई कैसे हो? जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ भाई जी। अलमीरा दे देखो क्या हुआ आपको। अच्छा मैं उसको मार के आता हूँ, अभी रुक जाओ। चल मुसाब अलमीरा को, अलमीरा को जिसने तंग किया उसको मार के आते। चल चल आ जा, सर फाड़ देंगे उसका, आ जा। अलमीरा चलाओ कार। अलमीरा क्या कर रही है? ये गेयर मार रही है भाई, गेयर मार रही है, देखते ले गेयर मार रही है। अबे रुक जा रुक जा, दिखा सही चला सही चला, दिखा नहीं मैं चला।
में क्या हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों को रात हो गई है, मॉल से हम लोग अब निकल चुके हैं अपनी आगे डिस्टिनेशन पर जाने के लिए, और देखते हैं अब हम कहाँ पर जो रात का डिनर है वो करते हैं और किस होटल में स्टे करते हैं। ये भी अभी व्लॉग के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे मिलने वाली हैं।